नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है। जैसे जैसे अब चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, वैसे वैसे सभी चुनावी दलों में हलचलें भी तेज होती दिखाई दे रही है। सभी दल इस वक्त जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं। सभी दल अपने किए हुए वादों और दावों को जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं और जनता से बाकी की पार्टियों के द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं। जिस प्रकार से इस बार का चुनाव बेहद ही खास माना जा रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होता है वो पूरे देश में एक बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर एक और बड़ी बात अब निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस बार का 2022 विधानसभा जो चुनाव है वो छोटे दलों का चुनाव होने वाला है। कह सकते हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, वो इस बार के चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही एक दल है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, जिसके आज एक प्रत्याशी है हसीब खान, जो हमारे साथ आज जुड़ेंगे और आगामी चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आगे की तैयारियां उनकी पार्टी के द्वारा की जा रही है, इस पर आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में जनवादी पार्टी, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है, उसके बलरामपुर के उतरौला विधानसभा से प्रत्याशी हसीब खान, जो जनवादी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात है और वो पार्टी के एक प्रवक्ता भी है, उनसे आज हम चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव किस प्रकार से जनवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और क्या कुछ रणनीति पार्टी के द्वारा इस बार तय की गई है। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी व जनवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। अब जनवादी पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त हसीब खान जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हसीब खान जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। जी, तो हसीब खान जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ चुका है, एक बड़ी बात कही जा रही है कि छोटे दल इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, इसमें क्या कुछ आपकी राय है? बहुत सारे छोटे दलों के साथ में गठबंधन किए हुए हैं, जैसे कि पार्टी लोग इन छोटे छोटे पार्टियों का अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है और इन्हीं जनाधार के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 400 सीटें जीतेंगे, तो इन्हीं छोटे छोटे पार्टियों के माध्यम से ही उनके जनाधार के बेसिस पे ही कहा है। तो हसीब खान जी, जिस तरीके से आप जनवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ऐसे में आप बलरामपुर के उतरौला विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि आपके राजनीति करियर की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से शुरुआत हुई, किस प्रकार से आपका राजनीति में आना हुआ? देखिए, प्रत्याशी अभी कहना सही नहीं होगा। ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फैसला करेंगे और जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा और हमारी पार्टी उसका हर तरह से सम्मान करती है जो भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। तो रही बात कि मेरे राजनीति करियर का, तो राजनीति से मेरा विशेष कोई रुचि पहले नहीं था, लेकिन कोरोना काल के समय मैंने जिस प्रकार से लोगों को देखा, लोगों की परेशानियों को देखा, लोग कई गुजरात में फंसे हैं, कोई महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, इनको लाना, उनको राशन, उनको खाने का इंतजाम कराना, और जिस हिसाब से सरकार की लचर व्यवस्था, कहीं पे कोई एडमिट नहीं हो पा रहा था, लोगों को एडमिट कराना, लेकिन फिर मैंने सोचा ये सब देख के कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत कुछ काम है जिसे करना बाकी है और उसे किया जा सकता है। तो फिर उतरौला तो मेरा, जैसे कि मुजैना नामक गांव है उतरौला तहसील में, वही भी स्थान है और मैंने अस्पताल के नाम पे
कुछ भी नहीं है, दवाएं नहीं है। इसी प्रकार कोई भी छोटी छोटी बीमारियों के लक्षण और काम है, सड़कें नहीं है, सबसे बदहाल है, तार 24 घंटा या 17 घंटे भी लाइट नहीं होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि लोगों की सेवा करना मुश्किल है। मैंने वहीं से अपना मन बनाया कि राजनीति में जाने का मैंने निश्चय किया। जिस तरह से अभी आप अपनी विधानसभा उतरौला की बात कर रहे हैं, जहां की समस्याओं को देखते हुए आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपकी जो विधानसभा उतरौला है उसमें अभी आपने कहा कि जो छोटे जो दल है उनका जनाधार अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, तो आपकी पार्टी का जो जनाधार है उतरौला विधानसभा में क्या कुछ स्थिति आप इस वक्त देख पा रहे हैं? उतरौला विधानसभा ही नहीं, देवीपाटन मंडल में चौहान समाज का 6,53,000 वोट है लगभग लगभग, और चौहान समाज एकत्र होके देवीपाटन मंडल में इस बार भाजपा का सफाया करने जा रहा है। चौहान समाज आज समझ चुका है कि उसके साथ छल हुआ, उसके साथ में धोखा हुआ। ना तो महंगाई कम हुई, ना तो बेरोजगारी कम हुई, ना तो 15 लाख मिले, ना तो 2 करोड़ नौकरियां मिली। आज लोग झूठे आश्वासन से तंग आ गए, रोजगार के नाम पे पकौड़े तलने का आ जा रहा है। अब आदमी पढ़ लिख के पकौड़ा तलने के लिए तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं, नौकरी के लिए किया, नौकरी मिल नहीं रही है, तो आदमी एकदम परेशान हो चुका है। अब कोई भी जाकर चलने वाला नहीं है। हिंदू और मुस्लिम जो कार्ड खेलते थे हमेशा, कोरोना काल ने वो भी एहसास दिला दिया कि हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है। हिंदू के लिए कौन सा VIP स्टेटमेंट इन्होंने किया था कि हिंदू 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 की बात करते हैं? हिंदुओं के लिए जब कोरोना में लोग मर रहे थे, लोग लाशों को फेंक रहे थे, दफनाया नहीं जा रहा था, उनका क्रियाक्रम नहीं हो पा रहा था, तो लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। इसलिए इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। 400 सीटें माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। हजीब जी, जिस तरह से आपकी जनवादी पार्टी है, हमेशा से इस पार्टी का उद्देश्य जो रहा है, जो दलित वर्ग है उसके कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण के लिए आप हमेशा से कार्यरत रहते हैं, आपकी पार्टी हमेशा उनके लिए आवाज उठाती हुई आ रही है, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो दल है, जो दूसरे दल BJP हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बाकी के दल जो है वो राजनीतिक सम्मेलन जो है उनके जारी है, ऐसे में जातिगत सम्मेलन भी उनके जारी है। क्या लगता है आगामी चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि चौहान समाज की जिस तरह से स्थिति है, तो क्या लगता है जिस तरह से इस वक्त सम्मेलनों का दौर जारी है, आगामी चुनाव में क्या कुछ फायदा इस वक्त देखने को मिलेगा और जनता पर क्या कुछ असर इस वक्त देखने को मिल रहा है? जनता बहुत समझदार है, जनता अब वोट बनने वाली नहीं है। कोई भी सम्मेलन कर ले, अब जनता झांसे में नहीं आने वाली। जनता झांसे में आ चुकी, 15 लाख के झांसे में आई, 2 करोड़ नौकरियों के झांसे में आई, अच्छे दिन के झांसे में आई, पेट्रोल 50 रुपए लीटर कर दूंगा इसलिए इस झांसे में भी आई, हर झांसे में आई और समय भी दिया। ऐसा नहीं है कि आज किसी चीज का वादा किया गया और कल ही जनता ने मांगा, जनता ने भरपूर समय दिया। 8 साल मोदी जी को दिया, 5 साल योगी जी को दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जनता जनता सुन के सुने, आज डीजल सेंचुरी के करीब है, पेट्रोल तो लगता है मुझे कि 150 भी पहुंच पाते होगा। किसानों के ऊपर ट्रक गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, आंदोलन को इस तरह से खालिस्तानी बताया जाता है, देशद्रोही। पहली बार हिंदुस्तान आजाद भारत में पहली बार किसी दल ने किसानों को भी आतंकवादी घोषित किया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि भाजपा की सरकार में। हर कोई परेशान है, किसान परेशान, बेरोजगार, जो बच्चे अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कोई डिग्री ले चुके हैं उनके पास रोजगार नहीं है, वो परेशान है, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो अब कोई भी सम्मेलन करने, कोई भी छात्र आने वाला नहीं। हसीब जी,
अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, पर फिर भी आप बता रहे हैं कि जनवादी पार्टी जो है वो अपने मुद्दों पर हमेशा से अडिग रही है, उस हमारी पार्टी का जो मोटिव है वो हमेशा से क्लियर रहा है। ऐसे में आपको भी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है, तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से लेते हैं? क्या कुछ एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और ये जिम्मेदारी का निर्वहन आप आगामी चुनाव में किस प्रकार से करने वाले हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है और साथ ही मुझे देवीपाटन मंडल का प्रभार भी किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं गोंडा में, बलरामपुर में, आज ही मैंने सादुल्ला नगर में एक प्रोग्राम किया है, वैसली में 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था, गोंडा में भी प्रोग्राम है, पूरे मंडल में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि देवीपाटन मंडल में 20 सीटें हैं, 20 की 20 समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है, बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। अभी आपने कहा कि आप लगातार रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और ये उम्मीद भी है कि आगामी चुनाव में इसका बेहतर परिणाम आपकी पार्टी को देखने को मिलेगा। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, वहीं अब हाल ही में समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुभाषपा से भी हो गया है, क्या देखते हैं आगामी चुनाव में इसका क्या कुछ फायदा निकलकर सामने आएगा? जो अब आपकी पार्टी बनी हुई है, इस गठबंधन का क्या कुछ एक सकारात्मक रूप आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, सुभाषपा से गठबंधन होने के बाद में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, जनवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन पहले से ही था, हमारी पार्टी पहले से मजबूत थी, लेकिन उपकार राजभर जी के आने से पार्टी को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। अब पूरा पूर्वांचल, जैसे कि मैंने बताया, देवीपाटन मंडल में क्लीन स्वीप होने जा रहा है, उसी प्रकार से अब है ना पूर्वांचल भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, पूर्वांचल में भी बीजेपी जीरो होने जा रही है। जिस तरह से चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां जनता के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर, अपने अपने दावों और वादों को लेकर पहुंच रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को इस वक्त गंभीरता से उठा रही है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी भी अपने किए हुए कार्यों का जो ब्यौरा है वो लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। ऐसे में आपकी पार्टी का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों पर आपकी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरने वाली है? मेरी पार्टी का मुद्दा जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आज भी उनको एक्सप्रेस हाईवे के लिए याद किया जाता है। आज है ना उस एक्सप्रेस हाईवे पे किसी वर्ग के लिए नहीं है कि महिला ही जाएगी कि पुरुष ही जाएगा कि दलित ही जाएगा कि मुसलमान ही जाएगा, हर वर्ग के लिए। अगर 3 घंटे में आगरा पहुंचता है कोई लखनऊ से आगरा, तो वो हर वर्ग का लोग वहां जा सकते हैं। अगर उन्होंने ट्रेन चालू की, मेट्रो चालू किया, तो वो भी हर वर्ग के लिए चालू किया, ये नहीं किसी विशेष विशेष वर्ग के लिए चालू किया गया हो। इसी तरह से माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए 1090 चालू करके दिखाया। लोग तो खाली आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया, 1090 चालू करके दिखाया, माताओं बहनों को जो उन्होंने राखी का एक कर सा वो निभा के दिखाया। हसीब जी, जिस तरह से इस वक्त आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपकी पार्टी का हमेशा से अहम मुद्दा रहा है कि जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, उसको न्याय मिल सके, उसे बराबरी का दर्जा मिल सके, आप कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा से आपकी पार्टी मुखर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से आपका क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है इन सब मुद्दों को लेकर? क्या कुछ आपने उनके सामने अपनी नीतियां रखी है, क्या उनका संशोधन किया गया है, और आगामी चुनाव में इसको लेकर क्या कुछ मतलब वादे कह सकते हैं या मैनिफेस्टो में उसको जारी किया जा सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी की जो हमारी जो है हमारा गठबंधन आज से नहीं, 2019 से है, और दोनों की जो नीति है, दोनों का जो सोच है एक जैसा है, लोगों के लिए सोचना, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषित, वंचित को लेके चलना, हर किसी के साथ में न्याय होना, जिसमें सभी सभी धर्मों को एक समान लेके चलना, और हमारी यही नीति
हमारी यही समानता जो है हमारी दोनों पार्टियों की, इसी विचार पे, इसी विचारों के माध्यम से ही हमारा गठबंधन हुआ है। और समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो, अभी हमारा मैनिफेस्टो पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसमें मुख्य चीजें फाइनल हो चुकी है। 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे और लोगों को किसी भी हर धर्म हर समुदाय के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हमारा दरवाजा सभी के लिए खुला है। आप देख रहे हो लगातार बीएसपी से, कांग्रेस से, हर पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ही यही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो हर एक के लिए है, सबके लिए सुटेबल है, चाहे वो किसी भी दल का हो। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है, वही विचारधारा जनवादी पार्टी के लिए। तो हमारी विचारधारा कुल मिला के ये कहा जाए कि हमारी जो विचारधारा है वो ऐसी है कि हर वर्ग का लोग हमारे पास जुड़ रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े, आज कुछ दिन पहले बसपा के 6-7 लोग ज्वाइन किए, बसपा के रामचंद्र राजभर जी ने भी ज्वाइन किया, कांग्रेस से कितने नेताओं ने ज्वाइन किया। कुल मिला के हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा जो विचार है, हमारी जो पार्टी का सोच है, वो सभी धर्मों के लिए है, सभी वर्गों के लिए है। इसीलिए सभी पार्टियों के लोग हमारी पार्टी में आके शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से हसीब जी इस वक्त आप जनवादी पार्टी में पार्टी उपाध्यक्ष हैं, वहीं पे अगर हम देखें तो दूसरी तरफ आप उतरौला विधानसभा सीट से इस वक्त प्रमुख दावेदार भी है, भविष्य की क्या योजना है? अगर आप एक विधायक बनते हैं तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी आपने तय किए हैं कि अगर आगामी दिनों में आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए किए जाएंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा राजनीति से बहुत पहले से कोई रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन मैंने कोरोना काल में जो देखा, मैं जब बैकुंठ धाम की तरफ से निकलता था तो वो धू धू करके वो लाशें और लोगों की लाइन, लाशों को जलाने के लिए जो लाइन देखा, मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ मैंने कितना अपने आप कैसा महसूस किया। लोग कोरोना के समय जब अचानक ट्रेन माननीय मोदी जी ने सब बंद कर दिया बिना कुछ सूचित किए, लोग कहाँ कहाँ फंसे रह गए, बेचारों के पास खाने के लिए नहीं, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराना, उनके घर पहुंचाना, जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी माता, उनकी बहनें, उनकी बीवी, उनके बच्चे जिस प्रकार से खुश होके मुझे दुआएं देते थे, तो मुझे ऐसा लव महसूस हुआ कि अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब है ना समाज के लिए कुछ करना है। यहाँ के लोगों को मैं देखता था आए दिन लखनऊ आते थे, एडमिट कराना है हॉस्पिटल में, एडमिट नहीं हो पा रहे, ये सब परेशानियों को देख के मैं अपने सारे सुख सुविधा लखनऊ में छोड़ के उतरौला विधानसभा में धूल और मिट्टी खा रहा हूँ, तो लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि यहाँ से मुझे कोई लालच है कि उसके लिए विधायक की लड़ने जा रहा हूँ या चुनाव लड़ने का मैंने कोई मन बनाया है। मैंने अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा जनपद बलरामपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, और बलरामपुर जिले में पीओपी के कारीगर बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें असंगठित मजदूर की श्रेणी में पंजीकृत करा के जब वो काम ना करें तो बेरोजगारी भत्ता दिलाना, तथा जो कॉन्ट्रेक्टर हैं, जो बड़े काम करने वाले हैं, उनका भी पेमेंट बहुत जगह फंस जाता है, लोग काम करा लेते हैं, बिल्डर पेमेंट नहीं देते हैं, तो जो वर्क ऑर्डर बेस पे काम करते हैं और जिनका रेगुलर बेस पे जीएसटी फाइल करते हैं, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा प्रदान कराना जिससे कि उनका पैसा कहीं ना रुके। जब उनका पैसा रुक जाता है तो फिर वो काम करने वाले जो लेबर्स हैं उनके पैसे नहीं देते हैं, सबसे बड़ी ये समस्या है, तो उनका भी समाधान करना, क्योंकि बलरामपुर जिले के कारीगर सिर्फ भारत में ही नहीं, आप दुबई में भी जाएंगे तो पीओपी कारीगर एक न एक बलरामपुर का मिलेगा आपको, लेकिन आज तक इस पर किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं बोला और किसी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जी।
समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने बताया कि वहां पर क्या कुछ समस्याएं हैं, विकास का काफी विकास के क्षेत्र में काफी पीछे है, वहीं पर अगर हम देखें तो उतरौला में एक बड़ी जो मुद्दा है वो शिक्षा भी है। उच्चतर शिक्षा जो है उसकी जो गुणवत्ता है वो काफी अच्छी नहीं, स्थिति में इस वक्त नहीं है। क्या कुछ कारण आप मानते हैं, और अगर आपकी पार्टी को मौका देती है जनता तो इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य है जो आपके द्वारा किए जाएंगे? अब मैं उतरौला के बारे में आपको क्या बताऊं, तो जनपद बलरामपुर में उतरौला आता है और जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। उतरौला में कुछ ही नहीं है, ना तो शिक्षा की कोई, ना तो सड़क की कोई व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, ना ही मतलब बिजली के तार भी इतने लचर है कि 17 घंटे भी लाइट नहीं आती है, कुछ ना कुछ फॉल्ट हमेशा होता रहता है। मतलब लोगों ने यहाँ के लोगों को एकदम से बेकूफ बना के रखा हुआ है कि कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही चीज होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम बेस पे चुनाव होता है और चुनाव जीतते हैं और हारते हैं, काम कुछ नहीं होता है। तो यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना बाकी है। ये ऐसे ही नहीं 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो सड़कें हैं, ना तो स्वास्थ्य सुविधा है, ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है। बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए इलाहाबाद और लखनऊ भटकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत कुछ करने के लिए है, क्या क्या बताएं कि यहाँ क्या क्या करना है, लेकिन सबसे मेन जो मैंने प्रायोरिटी पे रखा है वो स्वास्थ्य को रखा है कि स्वास्थ्य की सुविधा सबसे पहले उपलब्ध कराना है, रोजगार लोगों को रोजगार के लिए करना है। बेरोजगारी यहाँ चरम पे है, बेरोजगारी तो पूरे भारत में चरम पे है, परंतु यहाँ पे कुछ और ही, जैसे यहाँ पे अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग शहरों से में रहते हैं, अपना रोजगार समय शहरों में, और कोरोना काल के बाद में लगभग लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका, इसलिए बहुत ही ज्यादा है। जिस तरह से अभी आप पूरे बलरामपुर जिले की समस्याओं को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से बलरामपुर एक बेहद ही पिछड़े जिलों में से आता है, ऐसे में अगर आपकी पार्टी आपको वहां से प्रत्याशी बनाती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर आप वहां पर प्रत्याशी बनाए जाते हैं उतरौला सीट से, तो जो इस प्रकार से समस्याएं हैं अपने आप में एक बेहद गंभीर चुनौती है, इस चुनौती को किस प्रकार से लेंगे आप? अगर आप वहां पर प्रत्याशी होते हैं तो जनता को किस प्रकार से आप वहां पर विश्वास दिलाएंगे, और अगर आप वहां पर जीतते हैं आगामी चुनाव में तो क्या कुछ आपका मोटिव रहने वाला है? ये जो पूरी चुनौती है, जो विकास कार्यों की चुनौती है, इसे किस प्रकार से देखेंगे आप? चुनौती लेना ही मेरा मेन लक्ष्य है और चुनौती ही मुझे पसंद है। अगर चुनौती लेना ही पसंद ना होता तो मैं एयर कंडीशन छोड़ के यहाँ धूल और मिट्टी न खाऊं। लेकिन मैंने कोरोना काल के टाइम देखा, लोगों की हालात को अपनी आंखों से देखा, किस तरह से बिना इलाज के लिए लोग तड़प रहे थे, कितने लोग आए कि एडमिट करा दीजिए, बीमार हैं, मतलब कोरोना नहीं होने की वजह से भी नहीं, कुछ और बीमारियां हैं, लेकिन कोरोना काल के टाइम पे किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है, बेचारे भाग भाग के लखनऊ आते थे, वहां भी एडमिट नहीं हो पाते थे क्योंकि कोरोना में सारे बेड फुल थे। बिना इलाज के लोगों का मर जाना, इससे बड़ी गवर्नमेंट की विफलता कुछ नहीं हो सकती है कि बेड नहीं है इसलिए कोई मर गया, डॉक्टर नहीं है इसलिए कोई अपनी जिंदगी से चला गया, मतलब एकदम से लोगों के साथ में एक मजाक हुआ है कि कोरोना काल में लोगों ने देखा है, बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये सब चीजों को देख के ही मैंने ये फैसला किया राजनीति में आने का और कुछ करने का। मैं कुछ करने के लिए, चैलेंज मुझे बहुत पसंद है, यहाँ कुछ होता तो फिर मैं क्या करता, यहाँ कुछ नहीं है इसीलिए तो मैं आया हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। मुझे अगर यहाँ की जनता ने मौका दिया तो 5 साल में मैं इसकी शक्ल और सूरत दोनों बदल दूंगा। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से इस वक्त जनता आपको देख रही है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आम जनता है उसको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस इस समय मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ, दीपावली का समय है, मेरी तरफ से, मेरी पूरी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की पूरी टीम की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे भारतवर्ष को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है।
कोई बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रत्याशी और कह सकते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान जुड़े हुए थे, जो उतरौला बलरामपुर विधानसभा सीट से आगामी दावेदार हैं। उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की, जहां पर उन्होंने हमारे साथ बेहद ही गंभीर जो समस्याएं हैं उनको साझा किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बलरामपुर में इस वक्त मूलभूत सुविधाओं की कमी आ चुकी है, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र, बेहद ही गंभीर स्थिति में इस वक्त बलरामपुर की जनता दिखाई दे रही है। उतरौला सीट जहां से वो दावेदार बताए जा रहे हैं, वहां की समस्याओं से भी उन्होंने हमें अवगत कराया। वहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि जिस प्रकार से पुरानी सरकारें, उन्होंने बलरामपुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, ऐसे में आगामी चुनाव में अगर वो हसीब खान जैसे नेताओं पर विश्वास जताते हैं तो विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकती है। और इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।